नमस्कार दोस्तों, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा दर्शन शास्त्र की क्लासें अपन आज से प्रारंभ कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि सारे वीडियो आपको दर्शन शास्त्र के उपलब्ध हो सकें। दर्शन शास्त्र हिंदी में देखें तो संस्कृत की दृश्य धातु से व्युत्पन्न दर्शन शास्त्र का मतलब होता है देखना। देखना किसको? वास्तविकता को, रियलिटी को, वास्तविकता को देखना। अंग्रेजी में इसको फिलॉसफी कहा गया है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लॉस, जिसका मतलब होता है प्रेम, और सोफिया जिसका मतलब होता है ज्ञान। तो हिंदी में हम कहेंगे दर्शन शास्त्र का मतलब होता है देखना। देखना किसको? वास्तविकता को। अंग्रेजी में इसको फिलॉसफी कहेंगे, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लॉस और सोफिया। ग्रीक दो शब्द हैं, ग्रीक शब्द फ्लॉस और सोफिया से मिलकर बना है, जिसमें फ्लॉस का मतलब प्रेम और सोफिया का मतलब ज्ञान हुआ। तो जो दर्शन शास्त्र है वो किसी भी तत्व, ज्ञान और नीति, तत्व ज्ञान और नीति का तार्किक पूर्ण विवेचन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान और नीति का तार्किक पूर्ण से विवेचन जो है वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हो रहा है। ज्ञान जो है, ज्ञान का तात्पर्य होता है अर्थ प्रकाश को ज्ञानम। यहां अर्थ का मतलब होता है वस्तु को उसके वास्तविक रूप में प्रकाशित करना ही ज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब हुआ अर्थ प्रकाश को ज्ञानम, वस्तु को उसके वास्तविक रूप में प्रकाशित करना ही ज्ञान है। तो यहां ज्ञान जो है, ज्ञान के दो भेद हैं, ज्ञान के दो भेद बताए गए हैं। एक ज्ञान होता है प्रमा और एक होता है अप्रमा। तो दर्शन शास्त्र तत्व ज्ञान और नीति का तार्किक पूर्ण से विवेचन करता है। यहां पर वास्तविक ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति की कोशिश की जाती है अर्थ प्रकाश को ज्ञानम। ज्ञान का मतलब होता है वस्तु के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करना। तो ज्ञान जो है उसके दो भेद हैं, एक प्रमा और एक अप्रमा। अप्रमा का मतलब होता है जिस प्रकार की वस्तु है, वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में जानना ही अप्रमा कहलाता है। और अप्रमा का मतलब होता है एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोपण कर देना, अप्रमा कहलाता है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी अपने आप में रस्सी एक वस्तु है और उस रस्सी को पर आरोपण किसका कर दिया? सर्प का। तो ये ज्ञान कहलाएगा अप्रमा। तो एक तो प्रमा रस्सी को रस्सी समझना और एक अप्रमा किसी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोपण कर देना, जैसे रस्सी को सर्प समझ लेना। रस्सी भी अपने आप में सत्य और सर्प भी अपने आप में सत्य, लेकिन यहाँ रस्सी पर किसका आरोपण हो गया? सर्प का आरोपण हो गया। किस कारण से हो गया? कारण है अप्रमा के चार भेद हैं, संशय, विपर्य, तर्क, संदेह। तो इन सब चीजों के कारण हम किसी एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोपण कर देते हैं, ये ज्ञान अप्रमा है। और वस्तु को उसके वास्तविक रूप में जान लेना वो क्या कहलाता है? प्रमा कहलाता है। तो दर्शन शास्त्र जो है इसमें तार्किक विवेचन हो रहा है तत्व का, ज्ञान का और नीति का। तो इस विवेचन करना जो होता है, विवेचन को कहा जाता है मीमांसा। विवेचन करने को क्या कहते हैं? मीमांसा।
तो दर्शन शास्त्र की तीन शाखाएं हुई, तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। यहां तत्व का विवेचन किया जा रहा है, यहां ज्ञान का विवेचन किया जा रहा है, यहां नीति का विवेचन किया जा रहा है। तो दर्शन शास्त्र एक विषय है और उस विषय की तीन शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। जैसे विज्ञान, विज्ञान अपने आप में एक विषय है और विज्ञान की जैसे अलग अलग शाखाएं होती हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, उसी तरह से दर्शन शास्त्र की तीन शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा। तत्व मीमांसा को कहा जाता है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। ज्ञान मीमांसा को एपिस्टीमोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी। और नीति मीमांसा को कहा जाता है एथिक्स, एथिक्स। तो ये तीन ब्रांच हैं, तीन शाखाएं हैं दर्शन शास्त्र की। तत्व मीमांसा जो है उसके अंदर मेटा, मेटा का मतलब होता है परे, परे, और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, भौतिकी। यानी ये जो भौतिकता है जो हमको दिखाई दे रही है, इस भौतिकता से परे जो रियलिटी है, जो सत्य है, उसका विवेचन किसमें किया जा रहा है? तत्व मीमांसा। यानी भौतिकता से परे वस्तुओं का विवेचन तत्व मीमांसा के अंदर अंतर्गत किया जा रहा है। अब भौतिकता से परे क्या होगा? जो हमको दिखाई दे रहा है ये सब नश्वर है, जो वास्तविक है, जो रियल है, जिसको भौतिकता से परे कहेंगे, या जो जगत का मूल तत्व है, उसका अध्ययन किसमें किया जा रहा है? तत्व मीमांसा। तो मूल तत्व में किसको रखा जाएगा? परमात्मा को, आत्मा को, जो अजर, अमर, शाश्वत और नित्य है, और जगत को। तो तत्व मीमांसा में जिन चीजों का अध्ययन होगा वो परमात्मा है, वो आत्मा है, वो जगत है। अगला कौन सा है? ज्ञान मीमांसा, एपिस्टीमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप कैसा है। यहां जो ज्ञान की बात चल रही है वास्तविक ज्ञान की, तो वास्तविक ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या है, साधन यानी कि प्रमाण क्या है, ये सब चर्चा कहाँ होगी? तत्व मीमांसा। तो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के जो प्रमाण है या साधन है, वो साधन प्रमुखते चार साधन है, चार साधन है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे अनुमान प्रमाण, जैसे शब्द प्रमाण और जैसे उपमान प्रमाण। तो अगर पूछा जाए कि ज्ञान प्राप्ति के साधन कितने होते हैं, तो मुख्यतः चार, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इसके अतिरिक्त दो साधन और बताए गए हैं। एक तो साधन बताया गया अर्थापत्ति, अर्थापत्ति प्रमाण, और एक बताया गया अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण। तो कुल प्रमाणों की संख्या छह है, मुख्यतः प्रमाण चार है। हमारे जीवन का जो समस्त ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान हम इन्हीं प्रमाणों से प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रति प्लस अक्ष, आंखों के सामने, आंखों से किसी वस्तु को देख करके उसका ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। अनुमान प्रमाण, ध्यान रखना हमारे जीवन का 80% ज्ञान हम अनुमान प्रमाण से प्राप्त करते हैं, अनुमान प्रमाण। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, दर्शन शास्त्र में जो उदाहरण है वो बिल्कुल फिक्स होते हैं और वही उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे या आपको उदाहरण देने होंगे। जैसे जहां जहां धुआं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये निश्चित है कि जहां धुआं होगा वहां निश्चित रूप से क्या होगा? आग होगी। ये बार बार हमने इसको देखा है और बार बार देख करके हम इस चीज का अनुमान लगाते हैं कि दूर पहाड़ पर जहां हमको आग नहीं दिखाई दे रही, केवल क्या दिख रहा है? धुआं। तो दूर पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब हमने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया?
कि वह निश्चित रूप से क्या होगी, आग होगी। पढ़ेंगे तो टीचर बनेंगे, ये क्या है, अनुमान है, अनुमान प्रमाण है। पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, टीचर। तो हमारे जीवन का 80% ज्ञान किस पर चल रहा है, अनुमान प्रमाण पर। जैसे रसोई घर से आपको खुशबू आई, आपने वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन आप खुशबू के आधार पर बता दोगे कि वहां पर क्या चीज बन रही है। तो हमारा जीवन का 80% ज्ञान किस प्रमाण से आ रहा है, अनुमान प्रमाण। तीसरा प्रमाण कौन सा है, शब्द। आप्त पुरुष के वचन, आप्त पुरुष का मतलब होता है विश्वसनीय व्यक्ति। आप्त पुरुष के वचन किस प्रमाण के अंतर्गत रखे जाते हैं, शब्द प्रमाण। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितनी भी प्रमाणित पुस्तकें हैं, उन सब के अंदर क्या दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है। तो सारे धार्मिक ग्रंथ, सारी प्रमाणिक पुस्तकें वो शब्द हैं, और उनका हम अक्षरश पालन करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, प्रमाण है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, शब्द प्रमाण के अंतर्गत। चौथा है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण जो है, उपमा दे करके, उदाहरण अगर इसके सामने आपको बताऊं मैं, तो आप जैसे जंगल में जाने वाले हो, और जंगल में जाकर के आपको उत्सुकता है कि आप नील गाय को देखना चाहते हो। अब इसके लिए आपने कभी नील गाय देखी नहीं है, जंगल में आपको नील गाय दिखे तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो नील गाय है। तो इसके लिए आप उस व्यक्ति के पास जाओगे जो आपसे पहले जंगल गया है और जिसने नील गाय देखी है। आप उसके पास जाकर के उससे कहोगे कि मैं जंगल जा रहा हूँ और जंगल जाकर के मुझे नील गाय देखनी है, तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि ये जानवर जो है वो नील गाय है। तो वो व्यक्ति आपको शब्द कहेगा, वो आपको कहेगा कि आपने नील गाय तो नहीं देखी, लेकिन आपने गाय देखी है, और जो गाय देखी है उस गाय को आप नीला कर दो, उस गाय को नीला कर दो, बस ऐसी ही होती है नील गाय। आप जंगल गए, आपने वहां एक जानवर देखा जो गाय के समान आकृति का है और जिसका रंग नीला है। उसी समय आपको उस आप्त पुरुष के वचन ध्यान में आएंगे जिसने आपको शब्द कहे थे। तो देखो उपमान प्रमाण में कौन सा प्रमाण चल रहा है, इसके अंतर्गत शब्द प्रमाण भी चलता है। उसके शब्द आपको दिमाग में आएंगे कि गाय को नीला कर दो, बिल्कुल वैसी ही क्या होती है, नील गाय। तो आप तुरंत उस जानवर को देख करके अनुमान लगा, उपमान लगा लोगे, उपमान कि ये जानवर क्या है, नील गाय, और आपका ज्ञान क्या होगा, प्रमाणित होगा। तो यहाँ दो प्रमाण काम किया, एक तो आपने प्रत्यक्ष रूप से उसको देख रहे हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण आया, और एक उस व्यक्ति के शब्द आपने सुने, और यहां पर कौन सा प्रमाण आया, शब्द प्रमाण। तो ये चार प्रमाण है मुख्यतः जिनसे हम हमारा समस्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त दो प्रमाण और हैं, तो प्रमाणों की संख्या 6 हो रही है। दो प्रमाण और हैं, एक अर्थापत्ति प्रमाण है, जिस प्रमाण को कुमारिल भट्ट देते हैं, कुमारिल भट्ट इस प्रमाण को देते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण को। ये हमें ज्ञान प्राप्त करता है दो विरोधाभासी कथन, दो विरोधाभासी कथनों के बीच में प्रमाण के रूप में जिसको हम लेकर के आते हैं वो अर्थापत्ति प्रमाण है। जैसे जैसे आपने एक व्यक्ति देखा दिवोदत्त, दिवोदत्त ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन मोटा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मोटा हो रहा है, लेकिन ये दिन में खाना नहीं खाता। अब देखो यहां विरोधाभास है, मोटा भी हो रहा है और दिन में खाना भी नहीं खा रहा है, और ये संभव नहीं है कि व्यक्ति खाना नहीं खाए और मोटा हो जाए। तो यहां आप इन दो विरोधाभासी कथनों के बीच में आप प्रमाण लेकर के आएंगे, अर्थापत्ति प्रमाण, कि वो दिनों दिन मोटा हो रहा है तो निश्चित रूप से खाना तो खाता है, वो बिना खाना खाए मोटा नहीं हो सकता, लेकिन दिन में नहीं खा रहा तो रात में खाता होगा। तो आपने क्या अर्थापत्ति प्रमाण लाए आप यहां पर, कि दिवोदत्त दिनों दिन मोटा हो रहा है क्योंकि वो है दिन में खाना नहीं खाता लेकिन रात को खाना खाता है। तो ये आपका अर्थापत्ति प्रमाण। अगला प्रमाण आता है अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण जो है ये शंकराचार्य इस प्रमाण पर चर्चा कर रहे हैं। वो ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण हमको अभाव, अभाव के बारे में
ज्ञान प्राप्त करवाता है। जैसे इस कमरे में हमने देखा कि इस कमरे में घड़ा नहीं है, तो हम उस अभाव को देख रहे हैं, उस घड़े को यहाँ पर नहीं देख रहे, उसका यहाँ अभाव है, तो हम क्या कहेंगे, कमरे में घड़े का अभाव है। हमारा ज्ञान प्रमाणित है, हम सही कह रहे हैं, कमरे में टेलीविजन का अभाव है, नहीं है यहाँ पर, तो हमारा ज्ञान प्रमाणित है। कमरे में फ्रिज का अभाव है, नहीं है यहाँ पर, तो हमारा ज्ञान प्रमाणित है। तो अभाव का प्रदर्शन जो है वो किस प्रमाण से हो रहा है, अनुपलब्धि प्रमाण से। तो ये ज्ञान मीमांसा है, जिसमें हम ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है और ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या हैं, प्रमाण क्या हैं, इन पर चर्चा करते हैं। मुख्यतः चार प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। और प्रमाण जो हैं इनके अतिरिक्त दो प्रमाण और हैं, अर्थापत्ति प्रमाण, दो विरोधाभासी कथनों के बीच में प्रमाण के रूप में अर्थापत्ति प्रमाण का उपयोग किया जा रहा है, अनुपलब्धि प्रमाण जो अभाव के ज्ञान का हमको जानकारी करवा रहा है। तो ये छह हो गए। तीसरी जो शाखा है दर्शन शास्त्र की वो होती है नीति मीमांसा, एथिक्स। इसके अंतर्गत हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इन विषयों पर चर्चा की जाती है। तो जो नीति मीमांसा है इसके अंतर्गत चर्चा हो रही है शुभ अशुभ, पाप पुण्य, बंधन मोक्ष। तो तीन तरीके की शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, आत्मा परमात्मा जगत सृष्टि के मूल तत्व पर चर्चा हो रही है, ज्ञान मीमांसा वास्तविक ज्ञान पर चर्चा हो रही है, नीति मीमांसा बंधन और मोक्ष पर चर्चा हो रही है। तो हमने देखा दर्शन शास्त्र जो है उसमें तीन शाखाएं हैं, ज्ञान, तत्व और नीति। जहां हम जो है एक बार हमारे सिलेबस को देखेंगे ढंग से कि हमारा सिलेबस हमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को ढंग से देखोगे तो आधा तो आप एग्जाम को वहीं पास कर लेते हो। तो ये एक मेरी आपसे विनती है कि जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो कम से कम सिलेबस को सामने रख करके पढ़ें, क्योंकि सिलेबस आपका मार्गदर्शक है और उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक आप क्लियर करते चले जाएं। पहले उसका एक विस्तृत अध्ययन करें कि सिलेबस आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो अगर दर्शन शास्त्र का सिलेबस देखें तो ये तीन शाखाएं मैंने आपको बताई हैं, इन तीन शाखाओं में अगर हम देखें तो 80% आपका सिलेबस जो है वो आपसे दर्शन शास्त्र के संदर्भ में केवल और केवल नीति मीमांसा पर चर्चा करना चाह रहा है। तो ये ध्यान रखें कि आपका 80% सिलेबस नीति मीमांसा पर टिका हुआ है, तो आपका जो फिलॉसफी आपको पढ़नी है SST के लिए उसमें आपको फोकस किस चीज को करना है, नीति मीमांसा। और जहां नीति मीमांसा की बात आ रही है वहां किसको देखना है, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, बंधन और मोक्ष। तो आप इस चीज पर ध्यान देंगे कि दर्शन शास्त्र की दो भागों में बांटा गया है, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। तो भारतीय दर्शन में आपसे किसकी नीति मीमांसा पूछ रहे हैं और पाश्चात्य दर्शन में आपसे किसकी नीति मीमांसा पूछ रहे हैं। तो मैं आपको यहीं पर इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि आपका सिलेबस क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो साफ कर दिया जाए इसको। पूरे जो अपना सब्जेक्ट है आपसे जो दर्शन शास्त्र पूछा गया है, बहुत छोटा सिलेबस आपके सामने रखा गया है और उसे अगर आप सही ढंग से और पूरा एक व्यापक रूप में उसको देख के और फिर उसको टुकड़ों में बांट करके आगमन विधि से अगर आप चल करके इसको पढ़ें तो यह आपको बहुत आसानी से याद होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपकी तत्व मीमांसा है, आगे देखते हैं ज्ञान मीमांसा है और उसके बाद आपका है नीति मीमांसा। नीति मीमांसा, तो मैंने आपसे कहा कि आपका सिलेबस 80% यहां से उठाया गया नीति मीमांसा से। और दर्शन शास्त्र को जो है दो शाखाएं हैं इसकी,
एक तो दो भाग हैं इसके, एक तो भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। तो आप सिलेबस में ये देखें कि भारतीय दर्शन में आपसे नीति मीमांसा में किस चीज को पूछा गया है, किन किन को पूछा गया है। तो आप यहां देखें कि भारतीय दर्शन में, अगर पूरे भारतीय दर्शन में देखें तो भारतीय दर्शन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनी नीति मीमांसा के कारण जाने गए। क्योंकि जब भी बुद्ध से ये प्रश्न किया जाता था कि आत्मा और परमात्मा, तो ये दोनों किसके विषय हैं, परमात्मा और आत्मा ये विषय हैं तत्व मीमांसा के। तो जब भी उनसे चर्चा की जाती थी कि आत्मा और परमात्मा पर बोले, तो गौतम बुद्ध हमेशा इस चीज पर मौन रहे। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति थे, स्वानुभूत विषय है, उन्होंने इन चीजों को अनुभूत किया था, साक्षात्कार किया था, लेकिन फिर भी वो इन पर चर्चा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये स्वानुभूति का विषय है, ये गूढ़ विषय है, और गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि इस पर चर्चा करके समय व्यर्थ किया जाए। क्योंकि जो जनता है, जो मनुष्य है, उसकी मुख्य समस्या जो थी वो थी दुख। वो मुख्य समस्या क्या थी मनुष्य की? दुख। जो दुखों का सामना, जो कष्ट थे जिनको वो भोग रहा था, उन वो मुख्य समस्या थी। और बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य को उसकी मुख्य बीमारी से, मुख्य समस्या से छुटकारा दिलवाया जाए। और ये दुख किस कारण से भोग रहा है मनुष्य? बंधन के कारण। बंधन में क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि इस संसार को वास्तविक मान करके कर्म फल कर रहा है, और कर्म करेगा तो फल भोगने पड़ेंगे, फल भोगने पड़ेंगे तो भौतिक संसार में उसको दुख उठाना पड़ेगा। तो बुद्ध ने इसको पकड़ा और अपने आर्य सत्य यहीं से प्रारंभ किए। एक यूनिवर्सल वाक्य, एक सार्वभौमिक वाक्य बोला उन्होंने, पहला आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण के मार्ग हैं। तो उन्होंने बंधन से मोक्ष की प्रक्रिया का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और वो नीति मीमांसा का विषय है। और इसीलिए आपसे भारतीय दर्शन में नीति मीमांसा पर आपसे बौद्ध धर्म पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म जब आप पढ़ेंगे तो उनकी नीति मीमांसा पढ़नी है। इसी तरीके से जैन धर्म में त्रिरत्नों का पालन करें और बंधन मोक्ष से मुक्त हों। बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है बंधन से मोक्ष के लिए। तो उनकी भी नीति मीमांसा प्रसिद्ध है, इसलिए जो जैन धर्म आपसे पूछा गया है वो भी नीति मीमांसा। नीति मीमांसा गीता भारतीय दर्शन में आपसे पूछी गई है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म योग बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल की आकांक्षा के, निष्काम भाव से अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, कर्म योग। तो गीता की भी आपसे क्या पूछी गई है? नीति मीमांसा। आगे गांधी जी आते हैं, तो गांधी जी की जो फिलॉसफी है, गांधी जी का जो दर्शन है, उसमें आपसे सत्याग्रह, अहिंसा, साधन साध्य, न्यासधारिता। तो गांधी जी का भी जो है आपसे ज्यादातर क्या पूछा गया है? नीति मीमांसा। तो अब हम सीधा सीधा देख सकते हैं ये आपके सिलेबस में है। तो जब आप बौद्ध धर्म पढ़ें तो किसको फोकस करें? नीति मीमांसा। जब आप जैन धर्म पढ़ें तो किसको फोकस करें? नीति मीमांसा। जब गीता और गांधी जी पढ़ें तो नीति मीमांसा। नीति मीमांसा का मतलब पाप पुण्य, शुभ अशुभ, बंधन मोक्ष। तो गाइड जो बाजार में है और भी जो साधन बाजार में उपलब्ध हैं, उनमें पूरा उसको व्यापक रूप से उन चीज़ों को दिया हुआ है। उसमें इनका तत्व मीमांसा भी डाला हुआ है, ज्ञान मीमांसा भी डाला हुआ है, लेकिन आपसे पूछ कहाँ रहे हैं? और उन सब चीज़ों को पढ़ने पर आप भ्रमित हो रहे हैं और फिर आपको वो क्लिष्ट लग रहा है, कठिन लग रहा है। आपसे पूछा तो केवल नीति मीमांसा गया, मतलब बंधन और मोक्ष पूछा गया, पाप पुण्य पूछा गया और शुभ अशुभ पूछा गया है। तो आप वहाँ फोकस करें, तो उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस पर ढंग से सिलेबस का अध्ययन करें और उसे समझें और हमेशा अपने आगे रखें, तो आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो आपको लगेगा कि बहुत छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटा पूछा गया है, कुछ चीज़ें समझने की हैं, उनको एक बार समझ लें। आपके 18 या 19 जो भी क्वेश्चन इसमें दर्शन शास्त्र में आएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सेट है। तो यह आपका भारतीय दर्शन होता है। आगे हम चलते हैं पाश्चात्य दर्शन। तो पाश्चात्य दर्शन, तो एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना,
ये बिल्कुल दिमाग में बांध लेना, केवल और केवल डेकार्त। पाश्चात्य दर्शन में आपसे जो सिलेबस में पूछे गए हैं, जो रेन डेकार्त हैं, जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जन्मदाता हैं, जो बुद्धिवाद के प्रवर्तक दार्शनिक हैं, तो रेन डेकार्त जो हैं, उन्होंने उनका आपसे केवल और केवल पूछा गया है तत्व मीमांसा। केवल रेन डेकार्त की तत्व मीमांसा पूछी गई है, जिसमें वो कार्टेशियन थ्योरी से, कॉजिटो एर्गो सम वाक्य से, मैं संदेह करता हूं अत मैं हूं, मैं संदेह करता हूं अत मैं हूं, कॉजिटो एर्गो सम। कार्टियस उनका नाम था, इसलिए इनकी थ्योरी को इसको कहते हैं कार्टेशियन थ्योरी। तो मैं संदेह करता हूं अत मैं हूं, तो मैं के रूप में, संदेहकर्ता के रूप में आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं। किसके अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं? आत्मा के अस्तित्व को। और आत्मा जो है वो किसका विषय है? तत्व मीमांसा। तो रेन डेकार्त की आपसे क्या पूछी गई है? तत्व मीमांसा पूछी गई है। तो केवल पाश्चात्य दर्शन में डेकार्त हैं जिनकी आपसे तत्व मीमांसा पूछी गई है। इसके अलावा जो भी आपके पाश्चात्य दर्शन के टॉपिक हैं वो कहाँ से उठाए हैं? नीति मीमांसा, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं इमैनुअल कांट। कंप्लीटली इन कांट की जो है आपसे नीति मीमांसा पूछी, कांट की, जिसमें वो शुभ का प्रत्यय देंगे, जिसमें वो ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, तो कांट का आपसे नीति मीमांसा पूछा जा रहा है। इसके अलावा पाश्चात्य दर्शन से उठाया फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता, कर्म करने या ना करने, चुनने या ना चुनने की स्वतंत्रता ही क्या कहलाती है? संकल्प की स्वतंत्रता। उसकी कुछ मान्यताएं हैं, वो होनी चाहिए, तब आप किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रति उत्तरदायी ठहरा सकते हो। और उसके कुछ सिद्धांत हैं, कर्म जो संकल्प स्वतंत्रता है उसके तीन सिद्धांत हैं, मतलब तीन सिद्धांत हैं उसके, तो वो आपको उसमें देखने हैं। तो कहाँ का विषय है ये? नीति मीमांसा के। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो यहां पर आ गया संकल्प स्वतंत्रता जो आपसे पूछा गया है। आगे अपन आते हैं, आगे आपसे पूछा जा रहा है पाश्चात्य दर्शन में उपयोगितावाद, मैंथम और मील। उपयोगितावाद, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की कामना, सुखवादी अवधारणा। किसका विषय है? नीति मीमांसा। तो बेंथम मील का उपयोगितावाद है। इसी तरीके से यहां पर आ जाता है सोक्रेटिस मेथड, सोक्रेटिस मेथड, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, दंड के सिद्धांत, दंड के सिद्धांत। तो ये सब जो है, ये आपका जो सिलेबस है, ये 80% सिलेबस आपका नीति मीमांसा पर पड़ा हुआ है। तो भारतीय दर्शनों में तो बौद्ध हैं, जैन दर्शन है, गीता है, गांधी हैं, यहाँ इनकी आपको नीति मीमांसा देखनी है। और पाश्चात्य दर्शन में पूरा ही नीति मीमांसा है, केवल एक किसको छोड़ दे? रेन डेकार्त को, जो कि कार्टेशियन थ्योरी का उपयोग कर रहे हैं और मैं के रूप में आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि कर रहे हैं, और आत्मा तत्व मीमांसा का विषय है। अब इसी तरीके से अपन यहाँ और देख लें, अब जब देख ही रहे हैं तो आगे देख लें कि इसके अलावा जो आपका सिलेबस है वो बोलता है वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन। तो जो वैदिक दर्शन है वहां आप देखेंगे तत्व मीमांसा। वैसे वैदिक दर्शन जो है वो कर्म कांडी है, लेकिन जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो दसवां मंडल है, उसके दसवें मंडल के नासदीय और पुरुष सूक्त में हमें दार्शनिक विवेचना दिखती है, जिसमें वो सृष्टि के मूल तत्व पर चर्चा करेंगे, जिसमें वो निमित्तोपादेनेश्वरवाद और कुटस्थवाद के लक्षण दिखाई देंगे। तो वहां हम देखेंगे कि वो तत्व मीमांसा पे जाता है। फिर आता है आपका उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद आता है। तो जो उपनिषद है, उपनिषद आत्मा परमात्मा के संदर्भ में, तो आत्मा के स्वरूप, आत्मा के कोष,
और बंधन मोक्ष। तो उपनिषद जो है वहां भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, तत्व मीमांसा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसको आप दिमाग में रख के चलें कि ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने एक थोड़ा सा एक रूपरेखा देखी थी कि दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र की ब्रांचें कौन कौन सी हैं, किस ब्रांच में, किस शाखा में, किस चीज का अध्ययन किया जा रहा है, ज्ञान क्या है, ज्ञान को पाने के प्रमाण क्या है, वो चीज देखी, ज्ञान के दो भेद देखे, प्रमा और अप्रमा, वस्तु को प्रकाशित करने वाला ही ज्ञान है, अर्थ प्रकाश को ज्ञानम। तो ये सब चीजें हमने देखी इसके अंदर। अब देखो आगे हम देखते हैं जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, दो भाग है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। दो भाग है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। तो भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन के दो भाग हैं। दर्शन के आधार पर अगर डेफिनेशन देनी हो कि आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं, तो जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं। तो भारतीय दर्शन जो है ये दो भागों में बटा हुआ है, एक में आते हैं आस्तिक नास्तिक दर्शन, एक में आते हैं नास्तिक दर्शन और एक में आते हैं आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन और आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानते नास्तिक, जो वेदों को मानते हैं आस्तिक। तो वेदों को कौन नहीं मानता, तो वेदों को नहीं मानने वाले हैं चार्वाक, बौद्ध और जैन। ये वेदों को नहीं मानते इसलिए इनको कहेंगे हम नास्तिक दर्शन। वेदों को मानने वाले, तो वेदों को मानने वाले जो दर्शन हैं उन्हें कहते हैं हम सट दर्शन, सट दर्शन समुच्च, सट दर्शन समुच्च, क्योंकि ये दो के जोड़े में बोले जाते हैं। तो सट दर्शन समुच्च बोलते हैं इनको, इन्हें भारतीय दर्शन बोलते हैं। तो ये जो आस्तिक है इसमें वेदों को मानने वाले, तो सांख्य योग, सांख्य और दूसरा है योग, तो अब एक साथ बोला जा रहा है सांख्य योग, समुच्च हो गया। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, न्याय वैशेषिक योग, समुच्च हो गया न्याय वैशेषिक। फिर आता है मीमांसा वेदांत, वेदांत समुच्च हो गया। तो सट दर्शन, छह दर्शन है, समुच्च में है सट दर्शन समुच्च। तो ये वेदों को मानते हैं इसलिए इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है, और ये वेदों को नहीं मानते इसलिए इनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो ये भारतीय दर्शन है, दो भागों में बटा हुआ है। इसी तरीके से हम आ जाए पाश्चात्य दर्शन पर, तो पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन की दो शाखाएं चलती हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, तो उससे पहले जो पाश्चात्य दर्शन के बारे में अगर बात करें प्रारंभिक, तो वो पाश्चात्य दर्शन जो था वो ग्रीक दर्शन कहलाता था, ग्रीक दर्शन, ग्रीक दर्शन कहलाता था। और इस ग्रीक दर्शन में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, एक गुरु शिष्य परंपरा थी, ये आरंभिक ग्रीक दार्शनिक थे। सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, तो ये एक गुरु और शिष्य परंपरा थी और यह प्रारंभिक ग्रीक दार्शनिक थे। यहां आपसे केवल और केवल सोक्रेटिस मेथड पूछा गया है, प्लेटो और अरस्तु नहीं है आपके सिलेबस में। सुकरात का जो मेथड है सोक्रेटिस मेथड, वो आपसे पूछा गया, आपके सिलेबस में केवल वह है। पाश्चात्य दर्शन आता है, तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन जो है उसमें दो विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा तो है बुद्धिवादी, बुद्धिवादी, ध्यान रखें ये ज्ञान के आधार पर है, ज्ञान के आधार पर। एक विचारधारा बुद्धिवादी
और एक विचारधारा है अनुभववादी, 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 दो विचारधारा है, बुद्धिवादी अनुभववादी। बुद्धिवादी मानते हैं कि यह वह ज्ञान मीमांसीय अवधारणा है। बुद्धिवादी आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की वह ज्ञान मीमांसीय अवधारणा है जो हमारे ज्ञान को जन्मजात प्रागानुभाविक रूप से बुद्धि में पहले से ही मानती है। तो जन्म ज्ञान जन्मजात होता है, ज्ञान अनुभव से पहले प्रागानुभाविक होता है हमारी बुद्धि में। ऐसा विचारधारा मानने वाली कौन सी है? बुद्धिवादी। तो यह वह ज्ञान मीमांसीय अवधारणा है जो ज्ञान को प्रागानुभाविक जन्मजात हमारी बुद्धि में पूर्व से मानती है, पहले से ही है। तो इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं डेकार्त, यही इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं, और अन्य इसके अंतर्गत आते हैं स्पिनोजा और लाइबनिस। तो डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिस जो हैं वो बुद्धिवादी परंपरा के रहे, ये ज्ञान को बुद्धि में पूर्व से ही जन्मजात मानते हैं, प्रागानुभाविक मानते हैं। तो इसके प्रवर्तक डेकार्त हैं। तो ये बुद्धिवादी हो गई विचारधारा। दूसरी विचारधारा आती है अनुभववादी। अनुभववादी विचारधारा जो है इसके प्रवर्तक दार्शनिक जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक अनुभववादी क्या मानते हैं कि ज्ञान जन्मजात नहीं होता, ज्ञान प्रागानुभाविक नहीं होता, अपितु यह वह ज्ञान मीमांसी अवधारणा है जो समस्त ज्ञान का को अनुभव पर आधारित मानती है, जो हमें इंद्रिय संवेदन से प्राप्त होता है, यानी कि हमारी इंद्रियां वस्तु के संपर्क में आती हैं। पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और एक आंतरिक ज्ञान इंद्रिय है, मतलब छह हो गई, मन। तो अनुभववादी ये कहते हैं कि जब वस्तु के संपर्क में, आंख से हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया, कानों से सुन के हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया, नाक से सुन के हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया, त्वचा से स्पर्श करके हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया, तो अनुभववादी कहते हैं कि जब वस्तु के हम इंद्रियां हमारी वस्तु के संपर्क में आती हैं तो वस्तु का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो समस्त ज्ञान इंद्रिय संवेदन से अनुभव के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये विचारधारा अनुभववादी, कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता, जन्म के समय हमारी बुद्धि जो है वो कोरी सलेट के समान होती है, टेबुला रासा, टेबुला रासा, यानी कि कोरी सलेट के समान होती है। समस्त ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव के द्वारा छपता चला जाता है। तो ये मानने वाले कौन है? अनुभववादी। प्रवर्तक कौन है इसके? जॉन लॉक है। और इस परंपरा में अन्य जो हुए वो हुए बर्कले, बर्कले और ह्यूम, अनुभववादी। तो दो विचारधाराएं चलिए, बुद्धिवादी, अनुभववादी। बुद्धिवाद ज्ञान को जन्मजात प्रागानुभूक रूप से हमारी बुद्धि में मान रहे हैं। अनुभववादी वह ज्ञान मीमांसी अवधारणा है जो कहती है कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता, जन्म के समय हमारी बुद्धि कोरी सलेट के समान होती है, टेबुला रासा। जो लोग इसके प्रवर्तक हैं, समस्त ज्ञान इंद्रिय संवेदन से अनुभव के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। अब आपके सिलेबस पर अगर आए तो आपसे अनुभववादी दार्शनिकों में किसी को भी नहीं पूछा गया है, केवल इतना ही ध्यान रखना है। बुद्धिवाद पर अगर आए तो बुद्धिवाद में आपसे रेन डेकार्त पूछे गए हैं, और रेन डेकार्त की आपसे कार्टेशियन थ्योरी पूछी गई है, कार्टेशियन थ्योरी, और कार्टेशियन थ्योरी के द्वारा वह कोजिटो एग्रो सम, मैं संदेह करता हूं अतः मैं हूं के रूप में, मैं के रूप में आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि कर रहे हैं। और आत्मा का मतलब आ गया कि यह किसका विषय है? तत्व मीमांसा। तो इसकी चर्चा कर रहे हैं वो आपसे। तो बुद्धिवाद नहीं है, अनुभववाद नहीं है। अब देखो इस परंपरा में एक अन्य दार्शनिक आते हैं, इमैनुअल कांट। कहा जाता है कि आप कांट को पढ़ लीजिए, आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कांट में ये सब मिलेंगे, इसीलिए कांट को समीक्षावादी समन्वयवादी दार्शनिक कहा जाता है। कांट ने बुद्धिवाद की अनुभववाद की दोनों की समीक्षा की, और दोनों की समीक्षा करने के बाद जो व्यर्थ की चीजें थी वो हटा दी गई,
और जो उचित चीज़ें थी वो लेकर के उनमें समन्वय करवाया और अपना समीक्षावादी समन्वयवादी दर्शन प्रतिपादित कर दिया और इनके झगड़े को ख़त्म कर दिया। तो इमैनुअल कांट जो हैं वो पाश्चात्य दर्शन में एक अलग स्थान रखते हैं और वो इन दोनों के बीच में समन्वय कराने वाले थे। तो यही कारण है कि कांट को पढ़ लें या कांट को समझ जाए तो बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को समझा जा सकता है। तो अगले दार्शनिक आते हैं इस क्रम में पाश्चात्य दर्शन में इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट कांट अब देखो कांट क्या कह रहे हैं, उनने कैसे समन्वय करवाया। समन्वय करवा करके मतलब पहले इनकी समीक्षा की और समीक्षा करके जो गलत चीजें थी वो हटा दी और जो सही चीजें थी उनमें समन्वय करा दिया। और समन्वय करा करके उन्होंने एक बात कही, एक शब्द रखा, एक वाक्य रखा और उस वाक्य में सब कुछ समेट लिया। जैसे उन्होंने कहा कांट ने कहा हमारा समस्त ज्ञान इंद्रिय संवेदन के द्वारा, हमारा समस्त ज्ञान इंद्रिय संवेदन के द्वारा, इंद्रिय संवेदन के द्वारा देश काल रूपी, देश काल रूपी दरवाजे से होकर बुद्धि की कोटियों तक, बुद्धि की कोटियां श्रेणी है, 12 कैटेगरी बताई है कांट ने, बुद्धि की कोटियों तक पहुंचता है जहां बुद्धि की कोटियां, बुद्धि की कोटियां न्यायाधीश की भांति फैसला सुनाती हैं, जजमेंट करती हैं, फैसला सुनाती हैं, जजमेंट करती हैं। तो अब देखो ये उन्होंने कहा, तो यहां देखो दोनों का समन्वय मिलेगा। यानी वो क्या कह रहे हैं, हमारा समस्त ज्ञान किससे मिल रहा है, इंद्रिय संवेदन से। किससे प्राप्त हो रहा है, इंद्रिय संवेदन से। यानी कि यहां पर क्या चीज आ गई है, यहां पर आ गया आपका अनुभववाद। क्या आ गया यहां पर, अनुभववाद आ गया। तो अनुभववाद लिया इन्होंने, अनुभववाद, हमारा समस्त ज्ञान इंद्रिय संवेदनों से प्राप्त हो रहा है और उनसे प्राप्त होकर के, यानी हम वस्तु को देख रहे हैं उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उसका ज्ञान कहां प्राप्त कर रहे हैं, एक स्पेस में एक जगह पर। तो हमें स्पेस चाहिए होता है, तो एक निर्धारित स्पेस में हम उस वस्तु के संपर्क में आए हैं, उस जगह पर हम उस वस्तु के संपर्क में आए हैं और हमने उसका ज्ञान प्राप्त किया है। तो देश, तो एक स्पेस में समस्त ज्ञान इंद्रिय संवेदन के द्वारा हमने प्राप्त किया। और काल यानी टाइम, निश्चित समय में। तो इंद्रिय संवेदन के माध्यम से या इंद्रिय संवेदन के द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया समस्त, तो हमारा समस्त ज्ञान इंद्रिय संवेदन के द्वारा देश काल रूपी दरवाजे से होकर एक निश्चित स्पेस में और एक निश्चित टाइम में वो प्राप्त किया है। तो देश काल रूपी दरवाजे से होकर कहाँ पहुंच रहा है, बुद्धि की कोटियों तक। किसको ले लिया, बुद्धिवाद को भी लिया, समन्वय कर रहे हैं तो बुद्धिवाद को भी ले लिया। तो बुद्धि की कोटियों तक पहुंचता है, अब यहां पहुंच गया क्या, जहां बुद्धि की कोटियां न्यायाधीश की भांति फैसला सुनाती है। तो एक ध्यान रखना, हम वस्तु के संपर्क में आए, हमारी इंद्रियों ने उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया एक स्पेस, निश्चित स्पेस के अंदर और एक निश्चित समय के अंदर, और देश काल रूप यानी दरवाजे से होकर के कहां पहुंच गया, बुद्धि की कोटियों तक। तो अभी अस्त व्यस्त है वो, अभी वो ज्ञान कैसा है, अस्त व्यस्त, देखा है और उस ज्ञान को वहां से लेके वहां पहुंचा दिया, बुद्धि तक पहुंच गया। तो अब अस्त व्यस्त है वो,
अब उसको संतुलित प्रमाणित करने का कार्य कौन करेंगी? बुद्धि की कोटियां। तो दोनों की जरूरत है, अनुभववाद की भी और बुद्धिवाद की। बुद्धि की कोटियां उनको प्रमाणित करती है, व्यर्थ ज्ञान को हटा दिया जाता है और सही ज्ञान को रख लिया जाता है, जजमेंट सुनाती है, फैसला सुनाती है, सही ज्ञान को रख लिया जाता है। तो इतना बेहतरीन इन्होंने समन्वय किया दोनों के बीच में, इसीलिए कहा गया कि इनको पढ़ लो, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। निकांत को समझ लो, पढ़ना नहीं, समझ लो तो ये अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो वहां वो उन्होंने क्या कहा, फैसला। इसीलिए कांट कहते हैं कि बुद्धि की, कांट कहते हैं कि इंद्रिय संवेदन के बिना, इंद्रिय संवेदन के बिना बुद्धि की कोटियां अंधी हैं। अगर हम किसी वस्तु के संपर्क में आए ही नहीं, हमारी इंद्रियों ने उसका ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया, तो वो वस्तुओं की कोटियों तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके बिना बुद्धि की कोटियां क्या है? अंधी है। और हमारा ज्ञान प्रमाणित है, ये करने का कार्य बुद्धि की कोटियां करती हैं। तो बुद्धि की कोटियों के बिना इंद्रिय संवेदन बहरे हैं, बहरे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त, देख हम इंद्रिय संवेदन से उस वस्तु का हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन वो ज्ञान सही है, गलत है, प्रमाणित है या प्रमाणित है, ये कार्य तो कौन करेगा? बुद्धि कोटियां। तो बुद्धि की कोटियों के बिना ये बहरे हैं और इंद्रिय संवेदन के बिना बुद्धि कोटियां अंधी हैं। तो ये कांट हैं जिन्होंने समन्वय किया दोनों के बीच में, तो इसलिए इनको समीक्षावादी, समन्वयवादी दार्शनिक कहा गया है। लेकिन कांट का आपसे क्या पूछा गया है? कांट का आपसे एथिक्स पूछा गया है, कांट का आपसे नीति मीमांसा पूछा गया है। तो आपको कांट जब पढ़ना है तो आपको कांट का नीति मीमांसा पढ़ना है। ये ज्ञान मीमांसा पर चर्चा हो रही थी, तत्व मीमांसा नहीं है। तो आपसे कांट का नीति मीमांसा ज़्यादातर पूछा गया है, क्योंकि ये यहाँ भी बहुत अच्छा इन्होंने दर्शन दिया है। तो ये आपका पाश्चात्य दर्शन हुआ, और इधर हमने भारतीय दर्शन देखा था, इसको दो भागों में बांटा था, एक तो नास्तिक जो वेदों को मान रहे हैं, और एक आस्तिक जो नास्तिक सॉरी जो वेदों को नहीं मान रहे हैं, आस्तिक जो वेदों को मान रहे हैं। नास्तिक में चार्वाक बौद्ध और जैनों को रखा, और आस्तिक में सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत को रखा। तो दर्शन में आस्तिक और नास्तिक की डेफिनेशन का मतलब क्या होगा? जो वेदों को मानने वाले हैं वो आस्तिक, और जो नहीं मानने वाले वो नास्तिक। अब पारलौकिक दृष्टि से देखें, अब भारतीय दर्शन पर थोड़ी चर्चा करें। भारतीय दर्शन पर अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये तो वेदों के अनुसार या दर्शन के अनुसार डेफिनेशन हो गई इनकी, आस्तिक की और नास्तिक की। आगे हम देखें पारलौकिक दृष्टि से, यानी ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय सत्ता के आधार पर अगर देखें तो कौन से भारतीय दर्शन ईश्वर को मानते हैं और कौन से नहीं मानते। तो ईश्वर को नहीं मानने वाले, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले, नहीं मानने वाले। तो नहीं मानने वालों में नाम आएगा तीनों, चार्वाक बौद्ध और जैन। ना तो ईश्वर की सत्ता को चार्वाक मानते हैं, ना ईश्वर की सत्ता को बौद्ध धर्म मानता है, ना ईश्वर की सत्ता को जैन धर्म मानता है, और ना ईश्वर की सत्ता को सांख्य मानते हैं, और ना ही ईश्वर की सत्ता को मीमांसा मानता है। तो ये नहीं मानते। तो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले चार्वाक बौद्ध जैन सांख्य और मीमांसा हो गए। तो मानने वाले, तो मानने वाले अब यहां से आप ले लीजिए, मानने वाले कौन होंगे? मानने वाले। तो अब बचे जो, यहां से अपन देखें मानने वाले योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, ये ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। तो ये नहीं मानने वाले और ये मानने वाले। आगे आता है, बात करें अगर हम आत्मा की, आत्मा की सत्ता को, तो अगर आत्मा की सत्ता पर चर्चा करें तो यहां लेते हैं, आत्मा के अस्तित्व की अगर बात करें, आत्मा की सत्ता पर अगर बात करें, तो कौन से भारतीय दर्शन तो मान रहे हैं और कौन से नहीं मान रहे,
तो नहीं मानने वाले में चार्वाक आ गया, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाले में बौद्ध दर्शन आ गया, मानने वालों में अगर आ जाए तो नहीं मानने वाले में केवल ये दोनों है, चार्वाक और बौद्ध, बाकी के बच्चे जो केवल ये दोनों नहीं मान रहे हैं, बाकी के बच्चे जो जैन मानते हैं अनेकांतवाद, सांख्य दर्शन, प्रकृति पुरुष, मीमांसा मान रहा है, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, तो केवल चार्वाक और बौद्ध आत्मा के अस्तित्व को नहीं मान रहे। आगे आ जाए कर्म फल, पुनर्जन्म, कर्म फल जिनके कारण क्या हो रहा है, पुनर्जन्म। को नहीं मानने वाले और मानने वाले, और इसी के कारण पुनर्जन्म हो रहा है, तो पुनर्जन्म को मानने वाले और नहीं मानने वाले। तो अगर हम बात करें कर्म फलों पर कि कर्म फल को नहीं मानने वाला कौन सा दर्शन है, तो केवल और केवल चार्वाक, बाकी मानने वाले में सब मानते हैं, केवल एकमात्र चार्वाक नहीं मानता है कर्म फलों को, बाकी ये सब मानते हैं। तो अब देखो यहां पर चार्वाक एक ऐसा दर्शन है जो ना तो वेदों को मान रहा है, ना परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ना आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ना कर्म फलों को मानता है। तो चार्वाक को इसीलिए नास्तिकों का श्रोमणि, इसीलिए चार्वाक दर्शन को क्या कहते हैं, नास्तिकों का श्रोमणि, यानी नास्तिकों का भी नास्तिक और नास्तिकों के सिर मुकुट में मणि के समान बिठाने वाला, तो नास्तिकों का भी नास्तिक। और चार्वाक के जो इस तरीके के जो उपदेश थे, सिद्धांत थे, वो जनता में लोकप्रिय रहे, क्योंकि जो नेगेटिव बातें होती हैं वो ज़्यादातर जल्दी से हमारा जो मन ग्रहण कर लेता है, हमारी बुद्धि ग्रहण कर लेती है, और वो जल्दी से लोकप्रिय हो जाती हैं, तो इसीलिए ये लोकप्रिय हो गए और इसीलिए इनको लोकायत, लोकायत कहा गया, लोकायत दर्शन कहा गया। और इनका ध्यान किस पर था, चबाने पर, खाओ पियो और मौज करो, चबाओ, तो चबाने पर अधिक जोर देने के कारण ये चार्वाक कहलाए। इस दर्शन के प्रणेता बृहस्पति थे, बृहस्पति माने जाते हैं। तो इनसे पूछा गया कि आप कर्म फलों को नहीं मानते, आप आत्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, तो फिर आपकी दृष्टि में मोक्ष क्या है, मोक्ष तो सब मान रहे हैं, तो फिर मोक्ष क्या है। तो इन्होंने कहा मरणम मेव अपवर्गम, मृत्यु ही मोक्ष है। कोई कर्म फल नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, तो जब कोई परमात्मा नहीं है, नित्य अजर अमर आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म होना नहीं है, तो फिर पाप क्या हुआ, पुण्य क्या हुआ, फिर शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं रहती है, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है। तो चार्वाक दर्शन कहता है कि जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्त करना, अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करो, इसलिए चार्वाक दर्शन सुखवादी दर्शन है। कैसा दर्शन है, सुखवादी, हालांकि उपयोगितावाद भी सुखवादी है, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की कामना करना। चार्वाक दर्शन भी कैसा है, सुखवादी, तो सुख प्राप्त करो, यही जीवन का उद्देश्य है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए अगर आपको किसी से उधार लेकर घी भी पीना पड़े तो आप उसको भी पियो, लेकिन हर हाल में क्या प्राप्त करना है, सुख, क्योंकि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, आपके हिसाबों को रखने वाला कोई नहीं बैठा हुआ, तो कोई परमात्मा नहीं है, तो कोई दंड नहीं है, तो जीवन में मोक्ष क्या है, तो मरणमेव अपवर्गम, मृत्यु ही मोक्ष है, तो फिर क्या करे, उद्देश्य क्या है फिर जीवन का, तो ये कीजिए, आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति आपको होती रहे, और उस सुख की प्राप्ति के लिए आपको अगर उधार लेकर घी पीना पड़े तो पिए। तो ये चार्वाक दर्शन की का उनकी फिलॉसफी है, उनका दर्शन है। तो ये मैंने आपको एक जो दर्शन शास्त्र का जो मेन जो इसकी रूपरेखा थी, और यही जो है इसी ये अपने को मार्ग देगी, इसी के अनुसार अपने को चलना है, इसके बाद अपने को दर्शन शास्त्र को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें,
क्यों? क्योंकि इसमें अपना पूरा सिलेबस अपन कवर करके चले हैं और जो मुख्य मुख्य चीजें थी उन चीजों को अपन ने खोलकर भी देखा है। तो अब आगे अपन देखेंगे तो मैं सोचता हूं कि यहां से अपने को ये समझ में आ जाएगा कि दर्शन शास्त्र है क्या और अपने को पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। तो ये पहला वीडियो जो है वो आपको अच्छा मार्गदर्शन करेगा और कोशिश ये रहेगी कि आपकी जो एग्जाम की तिथि जो दी हुई है 28 से आपका प्रारंभ हो रहा है एग्जाम अक्टूबर से, तो उससे पहले पहले आपको दर्शन शास्त्र कम से कम दर्शन शास्त्र कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको सारे वीडियो अवेलेबल करवा दिए जाएं, जिसकी वजह जिससे आपको जो है काफ़ी सुविधा रहे। और कोशिश ये रहेगी कि जो अपन पढ़ेंगे जो भी 18-19 क्वेश्चन आएंगे शायद इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सटीक अपन इसको पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मारें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।